दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर। उपमंडल ज्वाली के एसडीएम सलीम आजम ने कहा कि कोविड 19 की इस महामारी में सबसे बड़ी प्रोटेक्शन सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसमें कम से कम 3 फुट की दूरी रहनी चाहिए, जिससे ये वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर तक न जाए। हमें हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। उन्होंने कहा कि सुबह 8 से 11 बजे तक ढील दी जाती है, उसमें सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखे, इसी में सभी की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि वह ग्राहकों को अपनी दुकानों के बाहर सुरक्षा चक्र बनाकर खड़ा कर राशन व सब्जी दें। एसडीएम सलीम आजम ने कहा कि सिविल सप्लाई के डिपो व कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपो की शिकायतें आ रही हैं कि बहुत से लोग आकस्मिक भय होकर सामान खरीदने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग नियंत्रित करे कि किस प्रकार दिन के 30 से 40 कार्ड धारकों को राशन दे सके। ये जो कोविड-19 की जो महामारी फैली है, उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। कम से कम हम 3 फुट की दूरी पे रहें, ताकि एक वायरस जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ना जाए। हम हाथ अच्छी तरह से धोएं, और अगर हम 8 और 11 के बीच में जब कर्फ्यू में ढील दी जाती है, उसके बीच में हम किसी दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लोगों का फ़र्ज है, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है। तो मेरा ये रहेगा कि जितने भी दुकानदार हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि उनके पास जो ग्राहक आ रहे हैं, उनको वो एक सुरक्षा चक्कर बना करके वहाँ खड़ा करें, और बारी बारी से बुला करके जो है राशन या सब्जी दें। जहाँ तक रही है हमारे जो सिविल सप्लाईज के डिपो हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो डिपो हैं, उसमें मुझे ये इशू आ रहे हैं कि वहाँ बहुत से लोग जो हैं पैनिक होकर के सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो वो अब डिपो वाले जो हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग जो है वो इसको रेगुलेट करे कि कैसे दिन के 40 या 30 जो है कार्ड जो है उनको पैसा जो है वो राशन मिले, और बाकी वहाँ पे जो न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रही है, उसी के संदर्भ में मैंने आज ये बनई में जो रेलवे लाइन के पास जो डिपो है उसको मैंने खुद देखा है, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी। ये डिपो वाले का फ़र्ज है, डिपार्टमेंट का फ़र्ज है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती है, इसलिए वो जो है वो सिर्फ राशन बांटने का काम ना करें, बल्कि इस वक्त हमारी ड्यूटी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लिमिटेड लोगों को बुलाया जाए या वार्ड वाइज जो है वो राशन दिया जाए। तो उसको आज हमने इसी के तहत जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसकी धारा 50 के तहत मैंने 100 रोज नोटिस किया है उनको कि 2 दिन के भीतर एक्सप्लेन करें कि क्यों ना आपके ऊपर केस जो है वो एक्शन लिया जाए एज पर रूल। और मेरा अब मुझे अगर लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कोई इसमें सीरियसली जो है वो नहीं काम कर रहा है, तो हम सीधे अब FIR लॉज करेंगे उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस है। बीमारी फैलाने का पूरा बंदोबस्त वो लोग कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन बिल्कुल जो है मुस्तैद है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ निपटा जाएगा जो सिर्फ राशन बांटने के नाम पर ये जो कोरोना वायरस जो है फैलाए जा रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि इसके बारे में सुने, और एटलीस्ट कम से कम ये जो डिपो वाले हैं और जो खाद्य पूर्ति विभाग है ये इसको रेगुलेट करें, अन्यथा इनको जो है इनके ऊपर एक्शन आएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से संजीव राणा की रिपोर्ट। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार, ढेर सारा प्यार। मैं हूं आपका अनुज शर्मा, और मैं आज आप सबके बीच में यही बात कहने आया हूं। वो आप सब जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और हमारे देश में भी इसका असर देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की जो भी दिशा निर्देश हैं, 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन है, तो आप सभी उसको मानें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोएं, जितना आप बेस्ट आप कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और ख्याल रखिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। सदाना डेंटल क्लिनिक एंड कंप्लीट डेंटल इम्प्लांट्स। डॉक्टर आशीष सदाना, USA ट्रेन्ड MDS, ओरल एंड मैक्सियोफेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, डिप्लोमेट एंड गोल्ड मेडलिस्ट, डूइंग इम्प्लांट फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। सदाना डेंटल क्लिनिक इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक विद लेटेस्ट मशीनरी। डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स फिक्स ब्रेसिस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट केनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक RCT, पेरियोडोंटिक्स स्पेशलाइज्ड डेंचर्स लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम USA, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर्स। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है, और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है।
इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आए और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाए। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।